दोस्तों बिल्ली को मारने पर आपको जेल की सजा हो सकती है। दुनिया में भाषा कितने बोले जाते हैं, घोड़ा को युद्ध में क्यों लिया गया पहले जमाने में, इन सभी को आपका सवाल वीडियो के अंत तक बन रहे, आपको सारे के सारे आंसर मिलेगा। जो भाषा होता है यानी कि इंसान द्वारा जो भाषा बोला जाता है बहुत अनेक प्रकार का होता है। कोई चीनी भाषा बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई जो बहुत प्रकार का हिंदी भाषा बोलता है, भोजपुरी भाषा बोलता है। लेकिन पूरे दुनिया की वर्ल्ड की बात किया जाए तो कितने भाषाएं को बोला जाता है आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, वह भाषा है जो कि पूरे दुनिया बोला जाता है। लगभग 5000 भाषाओं को प्रयोग किया जाता है पूरे दुनिया भर में। पहले के जमाने में अगर आप जैसे कि अभी के समय में आप बिल्ली यानी कि कैट को मार दे रहे हैं, बिल्ली को मार दे रहे हैं, तो आप पर कोई जुर्म नहीं किया जाएगा, आप मार भी सकते हैं, ऐसा इलाज है। लेकिन पहले के जमाने यानी कि मिस्र प्राचीन में नियम था कि राजाओं को समय नियम था, अगर आप बिल्ली को मार दे रहे हैं तो आपके ऊपर यानी कि आपके ऊपर क्या गुजरेगा आप जानकर चौंक जाएंगे। आपको फांसी की सजा यानी कि मृत्यु दंड के अलावा कोई आपको दंड स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। घोड़ा यानी कि हॉर्स होता है और सबसे तेज दौड़ने वाले में उपयोग किया जाता है। यहाँ कहेंगे कि कंगारू, लेकिन नहीं, जो उपयोग किए जाने वाला में से घोड़ा सबसे तेज दौड़ता है। लेकिन अगर वह रेगिस्तान में चल जाता है घोड़ा तो उसको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ेगा? आप लोग कहेंगे जिस प्रकार से वह मिट्टी पर चलता है उसी प्रकार का रेगिस्तान में चलेगा। नहीं, अगर वह भी घोड़ा रेगिस्तान में अगर चल जा रहा है तो वह या जैसे कि कोई व्यक्ति दलदल में फंसता है उस प्रकार से वह जाकर फंस जाएगा और निकल नहीं पाएगा जब तक आप बाहरी उसे मदद नहीं करता है। कि युद्ध में जो घोड़ा यानी कि युद्ध में घोड़ा क्यों लिया गया, कंगारू को क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि कंगारू बहुत अधिक तेज से दौड़ता है, लगभग वह 1 घंटा के अंतर्गत 90 किलोमीटर वह पार कर जाता है। लेकिन उतना तेज गति करने वाले को क्यों नहीं लिया गया? इसके पीछे यह रीजन है कि घोड़ा के इसलिए लिया गया कि घोड़ा जो है वह बहुत माने कि जब तक उसे आप चलाना चाहेंगे वह एक ही गति से चलेगा। लेकिन कंगारू का नियम है अगर वह तेजी से चलेगा लेकिन वह आराम करेगा यानी कि 1-2 घंटा आराम करने के बाद ही फिर से तेजी से चलेगा। ऐसा युद्ध में तो किया नहीं जा सकता, इसलिए घोड़े के लिया गया। इंसान यानी कि कोई व्यक्ति अगर शराब पी रहा है, शराब पीने के बाद कितने समय के अंतर्गत उसे नशा यानी कि माइंड पर नशा चढ़ने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है और बहुत जल्द वह नशा दिखने लगता है। लेकिन कितने मिनट में वह नशा चढ़ जाता है? जी हाँ, 6 मिनट के अंतर्गत नशा चढ़ने का प्रक्रिया बहुत फास्ट हो जाता है और जैसे ही टाइम बीतता है उस प्रकार से अधिक नशा चढ़ने लगता है, जैसे कि लगता है कि 1/2 घंटा के बाद। दोस्तों दरियाई घोड़ा, आप लोग सुने होंगे कि हाँ एक घोड़ा है जो कि पानी में चलता है उसे कहा जाता है दरियाई घोड़ा। लेकिन जो दरियाई घोड़ा का पसीना होता है आप लोग कहेंगे पसीना उसका गुलाब होता है, अगर नहीं जानते हैं जान लीजिए, गुलाब पसीना होता है उसका। लेकिन जो दरियाई घोड़ा का दूध होता होगा उसका दूध जो होता है वह किस कलर का होता है आप जानकर चौंक जाएंगे। जी हाँ जी, उसका दूध जो होता है पसीना का कलर यानी कि उसका दूध का कलर गुलाबी ही होता है दरियाई घोड़ा का। ऐसा अगर आप सोचते हुए यानी कि कोई बात सोच रहे हैं और सोचते हुए सो गए तो आपको जब माइंड होगा क्या वह आराम करेगा? आप लोग हैं क्यों नहीं आराम करेगा, क्योंकि मेरा जो शरीर है वह तो सो रहा है और मेरा माइंड भी है वह सो रहा है। नहीं, अगर आप कोई बात सोच रहे हैं तो यहाँ डिप्टी कर दिए माइंड को कि यह बात मैंने सोच रहा था, इस बात को तुम सोचते रहो, मैं आराम करूंगा लेकिन तुमको सोचना है। इसलिए जो दिमाग होता है वह अस्थिर नहीं रहता यानी कि जिसके कारण सर दर्द का जो प्रक्रिया है अधिक होता है। एंड यानी कि चिट्ठी जो होता है वह कितने घंटे तक सोता है, कितने घंटे तक आराम करता है, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 24 घंटे में यानी कि चिट्ठी के कहा जाता है कि वह जीवन काल में सोते ही नहीं है, यानी कि चिट्ठी वह सोते रहते हमेशा देखेगा कुछ चलते रहेगा। लेकिन वह आराम कितना देर करती है? जी हाँ, 24 घंटे के अंतर्गत लगभग 15 मिनट से लेकर 16 से 17 मिनट तक वह आराम करती है, उससे अधिक वह आराम करती नहीं है। इसकी कोई कीड़ा मकोड़ा है लेकिन उस कीड़ा मकोड़ा का जो खून होता है, रक्त होता है, किस प्रकार का होता है, किस कलर का होता है? उजला, पीला, हरा, लाल? नहीं, उसका लाल यह तो बात फैक्ट है कि लाल होता नहीं। आप लोग कहेंगे चिट्टी का जो होता है, चिट्टी लाल, उसको कीड़ा कहा जाता है, लेकिन चिट्टी को पूर्ण रूप से कीड़ा के रूप में नहीं लिया जाता है। कीड़ा जो हुआ जैसे कि कोई मकड़ा हो गया उसको कीड़ा कहा जाता है पूर्ण रूप से। इसलिए कि आप एक मकड़ा को मिस कर देख सकते हैं कि उसका खून कैसा, उसका खून येलो पीला कलर का यानी कि येलो पीला कलर का होता है। ऐसा आपको कोई काम कर रहे हैं लेकिन अगर काम करते समय आपको थकावट का महसूस हो रहा है कि मुझे थकावट हो रहा है, काम करने में मुझे टेंशन अधिक है, मेरा शरीर जो
काम करने में बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं, यानी कि थकावट पूर्ण रूप से कहा जाए तो, इसको दूर करने के लिए हम लोग कॉफी और चाय को पीते हैं। लेकिन इसको दूर करने के लिए सबसे आसान तरीका, अगर आप प्रतिदिन एक सेब, कम से कम एक सेब अगर आप खा रहे हैं तो आपको बहुत से फायदा होगा और आपको कॉफी और चाय पीने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और पूर्ण रूप से आपको विटामिन। आज के समय यानी कि अभी के समय में अगर देखा जाए तो रेलवे में कितने व्यक्ति काम करते हैं आप जानकर चौंक जाएंगे। आप कहेंगे इतने व्यक्ति काम नहीं करते होंगे, लेकिन कितने व्यक्ति, सरकार को कितने व्यक्ति को पेमेंट करना पड़ता है, बहुत अधिक व्यक्तियों का पेमेंट करने के कारण जो सरकार है वो हमेशा यानी कि फॉर्म निकालने में मजबूर है। जो कि 16 लाख अभी के समय में कर्मचारी रेलवे में काम कर रहे हैं उनको तो सरकार के द्वारा पेमेंट करना ही है, लेकिन जितने भी अगर नए वहाँ भर्ती ले रहे हैं तो उनको भी पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए सरकार इस पर मजबूर है।